हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो अपकमिंग मूवी के टीजर के बारे में जो कि बिलोंग करती है दो अलग अलग इंडस्ट्रीज को। पहली मूवी है एक मराठी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और दूसरी मूवी है कन्नड़ इंडस्ट्री की। और दोनों ही को मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक ही चीज़ कॉमन है, वो है गुड कंटेंट, जो कि हमें आजकल मूवीज़ में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर ऐसी कोई मूवी रिलीज़ हो रही है तो उसको सपोर्ट करना तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक मराठी मूवी की जिसका नाम है ज़ोंबी वैली। टीज़र स्टार्ट करने से पहले मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखा था, लेकिन जैसे ही टीज़र ऑन हुआ है मुझे लगा कि भाई मैं कोई गलती से कोई दूसरा टीज़र तो नहीं ऑन कर दिया, नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। लेकिन जो जो चीज़ें वहाँ पर देखा हो, सिर्फ एक छोटे से टीज़र ने मुझे जो एक्साइट किया है, आप सोचो जब पूरी मूवी रिलीज़ होगी तो कितनी हिलेरियस होगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये कॉमेडी हॉरर मूवी होने वाली है, जहाँ पर आपको ज़ॉम्बीज़ देखने मिलेंगे जो सिटीज़ में आ जाते हैं। अब ये इन्फेक्टेड क्रीचर्स सिटीज़ में आते कैसे हैं, वो किस तरह से इन्फेक्ट होते हैं, ये तो आप लोग इस मूवी में देखोगे। लेकिन यहाँ पर एक्टर अमय वाघ जिस तरीके से उस पुलिस वाले को अपने ज़ॉम्बी के फर्स्ट एनकाउंटर को एक्सप्लेन कर रहा है, वो बहुत ही हिलेरियस है। और जिस तरीके से वो फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, जो जो चीज़ें वो यहाँ पर बोल रहा है, अगर आपको डायलॉग समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं नीचे सबटाइटल्स भी है। लेकिन मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे मराठी आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हम लैंग्वेज की वजह से इस मूवी को नहीं देखना चाहिए, तो यार आप लोग बहुत गलत डिसीजन लोगे। क्योंकि अगर आप लोग एक बार टीज़र चेकआउट करो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस मूवी में हमें ललित प्रभाकर भी देखने को मिलेंगी, जो कि ज़ॉम्बी से खुद को बचा रहे या ज़ॉम्बी को मार रहे, वो तो आप लोग मूवी में देख लेना। फिलहाल टीज़र को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो खुद को ही बचा रहे। उसके अलावा इस मूवी में हमें वैदेही भी देखने को मिलेगी, और इसको डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोटदार ने। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मराठी इंडस्ट्री की तरफ से इस तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट पर मूवीज़ बनती रहेगी, तो वो दिन दूर है नहीं जब मुंबई में कैसे बॉलीवुड की मूवीज़ को लोग इंपॉर्टेंस देते या उनकी मूवीज़ को ज़्यादा देखना पसंद करते, तो शायद अदर लैंग्वेज जैसे कि अब मराठी, कन्नड़ा, इनको भी ऑडियंस उतना ही प्यार देगी। खैर अब हम लोग बात करेंगे एक कन्नड़ा मूवी की जिसका नाम है प्रेमम पूज्यम। अब इसका भी टीज़र रिलीज हुआ है, और टीज़र देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसका जो BGM है वो एक स्टार्ट करते ही आप एक अलग जोन में चले जाते हो। और जो विजुअल्स हमें देखने को मिले इस टीज़र में बहुत ही गजब के थे यार। मूवी में हमें नज़र आते हैं लवली स्टार प्रेम, जिनकी ये 25th मूवी है। मूवी को डायरेक्ट किया है रघुवेंद्र BS, जो कि ना सिर्फ इस मूवी को डायरेक्ट किया है, उन्होंने इस मूवी की कहानी भी लिखी है, स्क्रीन प्ले भी लिखा है, इस मूवी का म्यूज़िक भी कंपोज किया है। तो यार इतना सारा मल्टीपल काम किसी एक इंसान ने किया है, तारीफ तो करनी पड़ेगी। और वैसे टीज़र देख कर ऐसा लगता है भाई कि काफ़ी प्रॉमिसिंग काम किया इस डेब्यू मूवी में। नहीं चाहता कि प्रेमम पूज्यम का भी हाल दिया और लव मोकटल जैसा हो। प्रेमम पूज्यम में आपको टोटल 12 सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जो कि इसको एक म्यूजिकल मूवी बनाता है। साथ ही इस मूवी में गाना गाया है हरिहरन, मोहित चौहान, विजय प्रकाश, सोनू निगम, अरमान मलिक, और एक गाने को गाया है पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर ने। साथ साथ इस मूवी को शूट किया है एरी एलेक्सा एनामोर्फिक कैमरा से। अब ये किस तरह का कैमरा है उसके लिए तो आपको YouTube से बड़ी कोई और चीज़ नहीं। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, लेकिन अगर आप लोगों को देखना है तो बस इसको टैप करो एरी एलेक्सा एनामोर्फिक कैमरा, तो वो भाई वीडियोस आ जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर देख लेना। मूवी रिलीज़ कब होगी ये फिलहाल तो रिलीज डेट सामने आई नहीं है, लेकिन ये कन्नड़ इंडस्ट्री की वन ऑफ दी मच अवेटेड लव स्टोरीज में से एक है, जो हर किसी इंसान को देखना चाहिए। और डायरेक्टर ने ये कहा भी उनके इंटरव्यू में, किसी इंसान ने कभी अपने लाइफ में प्यार को प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस किया तो वो इस मूवी से इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि डायरेक्टर की ये बात किस हद तक सही साबित होती है, उसके लिए तो हमको इस मूवी का ही वेट करना पड़ेगा। तो खैर बस इस वीडियो में इतने। आपको ये मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो आपको वीडियो को दबा के शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना है इन दोनों मूवीज से रिलेटेड। और आप कन्नड़ा मूवीज़ देखते हो या मराठी मूवीज़ ज़्यादा देखते हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं।